सो हम लोग जर्नल एंट्रीज का ये सेवंथ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ध्यान देके सुनिएगा सब जने। पहले डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, अकाउंट में कितनी कैटेगरीज होती है, वो सब चीज़ें बता चुका हूँ, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ। आज उसी प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू जर्नल एंट्रीज समझेंगे हम लोग। तो हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, पर उसके पहले एक छोटी सी चीज समझो कि लाइफ में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कंडीशन है अगर वो काम पूरी शिद्दत के साथ किया जाए, पूरी स्पिरिट के साथ किया जाए, उस काम में 100% दिया जाए। मेरी बात समझना सब जने, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता अगर उसमें 100% दिया जाए। देखो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट पे देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ काम ऐसे जो जब तक हमने नहीं सुना था तो लगता था ये काम पॉसिबल है ही नहीं। टफ की बात नहीं है, नहीं है पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता ऐसा काम जो बिना हाथ के तो किया ही नहीं जा सकता, और ऐसे लोग करके दिखा देते हैं जिनके पास दोनों हाथ ही नहीं है, जो काम लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, अगर हो भी गया तो बिना हाथ के तो नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करा दिया, करके दिखा दिया, वो भी कौन सी कंडीशन कि दोनों हाथ ही नहीं थे तो भी करके दिखा दिया, दोनों पांव नहीं थे जो काम बिना पांव के नहीं सकता वो करके दिखा दिया। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे वो सब जने एक बात तो मानते हैं कि एकेडमी के अंदर किसी भी लेवल तक अगर कोई चीज अचीव करनी हो तो वो इम्पॉसिबल तो नहीं होता है, टफ हो सकता है भले, ऐसा बोलोगे शायद वो भी। तो जो लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा रहे हैं, तो हम तो थोड़ा सा टफ चीज को भी कर सकते हैं कि नहीं, 100% दिया जाए। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई हम 100% कैसे दें, पढ़ाई में ध्यान कैसे दें, नहीं लगता इसमें इंटरेस्ट। तो हमें अपने अंदर एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन लाना होगा। जब तक किसी चीज के लिए मोटिवेशन नहीं होगा ना, तो हम नहीं कर पाएंगे। अपने ड्रीम्स बनाओ, ऐसे ड्रीम जो रोज बदलना नहीं है, आईएएस ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर बनना है, तो सीए करना है, जो भी लाइफ का अचीवमेंट, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलनी है, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ड्रीम्स होंगे तो अचीव कर पाएंगे, उसके पीछे लगेंगे, वो ड्रीम्स हमारा सेल्फ मोटिवेशन होगा। और जो भी काम करो उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब बच्चे बोलते हैं कि सर लेक्चर्स बहुत छोटे होना चाहिए, जो वीडियोस बनते हैं वो अगर आधे घंटे के और एक घंटे के होते हैं तो इतने लंबे टाइम तक हम देख नहीं पाते हैं घर पे बैठ के। जब रीजन क्या है, आप दूसरी चीजें तो दो दो घंटे तक भी देख रहे हो, मोबाइल पे लगे रहो, आप बोर नहीं होंगे दो घंटे तक भी, लेकिन एकेडमिक चीजों में 15 मिनट के अंदर ही बोर हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन नहीं है उन चीजों को अचीव करने के लिए। मोटिवेशन हो तो ये चीजें भी आपको बोर नहीं करेगी, बहुत देर तक के नहीं पढ़ना है, पढ़ाई पहले, उसके बाद इसी से तो लाइफ बनेगी। चले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अब तो देखिए एक क्वेश्चन है, उस पर जनरल एंट्रियां पास करनी है हमको। तो पहला सेंटेंस है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, यानी कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है ना, उसने घर से कैश लाकर बिजनेस को दिए। कौन सी डेट पर? 1 जनवरी पर। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो पहले तो हम जनरल एंट्री के अंदर इसकी डेट लिख देंगे। तो ये हमने जनवरी 1 डेट ली, ईयर होता तो ईयर भी पहले लिख देते। अब बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये एक ट्रांजेक्शन है। तो रूल क्या है, जो मैंने इतने दिन से रोज समझा रहा हूं कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो उस वो ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट पे इफेक्ट डालता है हमेशा। बिजनेस के अंदर हजारों अकाउंट्स बनते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट,
स्टेशनरी का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, कमीशन का अकाउंट इसे बनते हैं। उन हजारों अकाउंट में से कौन से दो अकाउंट है जिस पर इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आएगा वो पहले देखा जाता है, जनरल एंट्री करने के पहले मन में वो सोचा जाता है। तो अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में अगर कैश दे रहे हैं तो अकाउंट की लैंग्वेज में ये कैपिटल हुई। जब बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ना तो उसको कैपिटल बोलते हैं, जो पैसा बिजनेस में लगाया दैट इज आवर कैपिटल। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो ये पैसा बिजनेस में लगाया ये कैपिटल है। दूसरा अकाउंट तो सीधा सीधा देखो तो कैश से कनेक्टेड है, बिजनेस में कैश आया है तो मतलब कैश से कनेक्टेड है ये ट्रांजेक्शन। वो कौन सी चीजों से कनेक्टेड है वो दो चीज देखनी होती है, उन दोनों के अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। हर ट्रांजेक्शन दो चीजों पर हमें इफेक्ट देता है, मतलब उसके दो एंगल होता है। इस एंगल से देखो तो ये वाला अकाउंट इफेक्टेड है, उस एंगल से देखो तो वाला अकाउंट इफेक्टेड है। तो दोनों देखे होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, दो एस्पेक्ट से उसको देखना होता है। तो एक एस्पेक्ट से ये कैपिटल है, बिजनेस में जो पैसा लगाया ये कैपिटल है, दूसरे एंगल से देखे तो ये कैश है। तो दो अकाउंट कौन से हुए, कैपिटल एंड कैश। कैपिटल अकाउंट जो है ना ये बिजनेस के प्रोप्राइटर का अकाउंट है। अब हम डेबिट क्रेडिट देखेंगे, तो कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा उसके लिए हमको उनकी कैटेगरी देखनी होगी, उनका डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करना होगा। तो पहले कैपिटल पे देखते हैं। कैपिटल जो है बिजनेस के प्रोप्राइटर का अकाउंट है, प्रोप्राइटर मतलब एक पर्सन, ये एक पर्सन का अकाउंट है, यानी ये पर्सनल कैटेगरी में आएगा। कैपिटल पर्सनल कैटेगरी में आएगा, यानी कैपिटल के ऊपर पर्सनल कैटेगरी का रूल लगेगा। और पर्सनल कैटेगरी का जो रूल होता है वो रूल होता है डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर बिजनेस को पैसे दे रहा है, बिजनेस के एंगल से देखना है क्योंकि अकाउंट बिजनेस बना रहा है। बिजनेस के लिए प्रोप्राइटर रिसीवर एक गिवर है, गिवर है मतलब डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट की क्रेडिट, तो क्रेडिट हुआ। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बिजनेस के प्रोप्राइटर का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि वो गिवर है। दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। तो कैश, कैश रियल कैटेगरी में आता है। पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ कि रियल कैटेगरी में क्या चीज आती है, पर्सनल में और नॉमिनल में क्या चीजें आती है। तो कैश रियल कैटेगरी में आता है, तो कैश के ऊपर रियल का रूल लगेगा, रियल का जो डेबिट क्रेडिट का रूल है वो लगेगा कैश के ऊपर। कैश इनकमिंग है तो डेबिट होगा, क्योंकि रियल कैटेगरी का रूल क्या है, डेबिट टू वार्स कम्स इन, डेबिट टू वार्स कम्स इन। अगर इनकमिंग है तो डेबिट, और क्रेडिट टू वार्स गोज आउट, क्रेडिट टू वार्स गोज आउट। अगर आउटगोइंग है तो क्रेडिट, इनकमिंग है तो, इनकमिंग है तो डेबिट, आउटगोइंग है तो, आउटगोइंग है तो यहाँ पर बिजनेस को पैसा दिया है, बिजनेस के एंगल से देखना है। हम अकाउंट बिजनेस के बना रहे हैं, बिजनेस के एंगल से देखना है। बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस में कैश इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, इनकमिंग है तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होगा तो इसको हम डेबिट करेंगे कैश को। तो कैपिटल हमने देखा था कि ये क्रेडिट होगा, कैपिटल क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, तो कैश डेबिट होगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमने मन में सोचना है, ये लिखना नहीं है, लिखना क्या है अब मैं उस पे आता हूँ। तो ट्रांजेक्शन डेट पहले लिखी जाती है वो लिखी थी। अब जो दो अकाउंट है कैपिटल और कैश, रूल के अकॉर्डिंग डेबिट अकाउंट फर्स्ट लाइन में आएगा तो क्रेडिट अकाउंट सेकंड लाइन में आएगा। तो कैश डेबिट था यहाँ पर, यहाँ पर कैश डेबिट था तो डेबिट पहली लाइन में आता है, कैश अकाउंट डीआर। लिखने का तरीका, जो अकाउंट डेबिट है फर्स्ट लाइन में आएगा और उसके आगे पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही कॉर्नर पे एक वर्ड यूज करेंगे डीआर। सेकंड लाइन में थोड़ी सी स्पेस देंगे, एक वर्ड यूज करेंगे टू, टू के आगे जो क्रेडिट वाला अकाउंट है वो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट के दो कॉलम चल रहे हैं, अमाउंट के दो कॉलम चल रहे हैं डीआर और सीआर। कैश डेबिट है इससे उसके सामने डेबिट में अमाउंट आएगा, और अमाउंट कितना है देखो, अमाउंट कितना है 250,000 अमाउंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये लिख दिया। कैपिटल क्रेडिट है तो उसके सामने क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे
50,000। सभी लोग एग्रीड? अब इसका हम नरेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में नरेशन आता है, जो ट्रांसैक्शन था ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या ट्रांसैक्शन था? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये नरेशन है। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, लाइन ओनली पर्टिकुलर कॉलम में आएगी और क्लोज कर देंगे। ये पूरी मिलकर एक जनरल एंट्री बनी हमारी। तो अब हम सेकंड ट्रांसैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांसैक्शन देखो, डेट क्या है? जनवरी सेकंड। तो पहले तो जनरल एंट्री में डेट लिख देते हैं, जनवरी सेकंड। ट्रांसैक्शन क्या है ये देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखते ही कि इसमें दो अकाउंट कौन से आएंगे। कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, पहले ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि जब कोई ट्रांसैक्शन होता है, कुछ लेना देना होता है, तो अकाउंट में अकाउंट के रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर चीज के देखने के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक ढंग से देखोगे तो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, अगर दूसरे ढंग से देखोगे तो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। बैंक में कैश डिपॉजिट किया यानी ये कैश से कनेक्टेड है, बैंक में कैश डिपॉजिट किया यानी ये बैंक से कनेक्टेड है। और बातें दोनों सही है, कैश से भी कनेक्टेड है, बैंक से भी कनेक्टेड है। और ऐसे हर ट्रांसैक्शन के अंदर आपको दो चीजें मिलेगी, उन दो अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। तो यहां पर दो अकाउंट कौन से हैं? यहां पर दो अकाउंट है, कैश एंड बैंक। अब कैश, अब इनको डेबिट क्रेडिट करना है, तो इनकी कैटेगरी और कैटेगरी के अकॉर्डिंग रूल। तो कैश की कैटेगरी कौन सी है? रियल। और रियल में इनकमिंग हो तो डेबिट, आउटगोइंग हो तो क्रेडिट। अगर बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो बिजनेस के एंगल से सोचो, कैश इनकमिंग है कि आउटगोइंग है। अगर बैंक में कैश डिपॉजिट किया मतलब बिजनेस से कैश आउटगोइंग हुआ, और आउटगोइंग क्रेडिट होता है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। एग्रीड? फिर आ गए बैंक पर, बैंक की कैटेगरी, फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग रूल सोचेंगे। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही पर्सनल कैटेगरी में आते हैं। बैंक पर्सनल कैटेगरी में आएगा, पर्सनल कैटेगरी का रूल होता है डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। अगर पर्सन रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे, गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे। बैंक में कैश डिपॉजिट किया मतलब बैंक रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? बैंक पे डिपॉजिट किए पैसे तो बैंक ले रहा है पैसे, बैंक पैसे ले रहा है मतलब रिसीवर, और रिसीवर डेबिट करते हैं, बैंक डेबिट होगा। तो ये जो चीज है ये हमने मन में सोचना है, कहीं लिखना नहीं है। तो ये हमने मन में सोच लिया कि कैश क्रेडिट होगा तो बैंक डेबिट होगा। अब लिख लेते हैं रूल के हिसाब से, जनरल एंट्री में डेबिट अकाउंट पहले आता है तो बैंक डेबिट है, बैंक डेबिट पहली लाइन में आएगा। थोड़ी सी स्पेस देंगे, टू, टू के आगे कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2 लाख। बैंक के सामने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट, तो कैश के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट। ब्रैकेट में ट्रांसैक्शन लिख देंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जरा पीछे की लाइंस में बातें हो रही है और ये पूरे जगह पे आवाज गूंज रही है आपकी। तो ये नरेशन लिख दिया ब्रैकेट में, उसके बाद लाइन स्केच कर दी, तो ये पूरी मिलाकर एक जनरल एंट्री बनी। ये पूरी प्रोसेस मिलाकर, ये पूरी प्रोसेस मिलाकर इसको बोलते हैं जनरल एंट्री। इस जनरल एंट्री में 5 कंटेंट्स हैं, इनमें से एक भी गलत हो गया तो नंबर नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है,
लेकिन स्टेप पूरी कंप्लीट होना चाहिए, पांच चीजें कंप्लीट होना चाहिए। पहली डेट, दूसरा दो अकाउंट, तीसरा दोनों अमाउंट, चौथा नरेशन और पांचवा लाइन स्केच करके बंद करना सिर्फ पर्टिकुलर को, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले एक बच्चे का शायद क्वेश्चन था, भाई सब लोग ध्यान दे के सुनो, कल भी दो एक बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, अभी भी पूछा है कि सर ये एलएफ का जो कॉलम बनाया ये क्या है। तो ये अभी दो तीन दिन के बाद बताऊंगा इसका मीनिंग। अभी हम जनरल एंट्रियां सीख रहे हैं, जनरल एंट्री के बाद अगली स्टेप होती है लेजर, जब आएगा तब बताऊंगा लेजर क्या होता है, और उस टाइम बताऊंगा कि ये जो एलएफ का कॉलम बनाया ये क्या चीज है, इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो तब तक इसको बना के ब्लैंक छोड़ देना है, इज इट। चले तो अगली डेट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट डेट है 3rd January, तो लिखे जनरल एंट्रीज में 3rd January, जनरल एंट्रीज में डेट लिखे 3rd January, जल्दी से लिख लें। तो 3rd January को ट्रांजेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। परचेस्ड फर्नीचर, तो ट्रांजेक्शन है बिजनेस फर्नीचर परचेस्ड, तो ये एक ट्रांजेक्शन है। दो एस्पेक्ट से देखते हैं, अगर फर्नीचर परचेस किया है मतलब ये ट्रांजेक्शन फर्नीचर से कनेक्टेड है, यानी इसकी एंट्री फर्नीचर अकाउंट में होगी, इसकी एंट्री फर्नीचर अकाउंट में होगी। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही बात कि एक ही चीज को देखने के दो एंगल है, दूसरे एंगल से देखा जाए। हमने फर्नीचर परचेस किया तो कुछ देखे भी तो आए होंगे, क्या देखे आए होंगे, क्या देखे आए होंगे, मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश के साथ कनेक्टेड है, कैश के साथ कनेक्टेड है, मतलब कैश का अकाउंट भी चलेगा यहाँ पर। अब इनमें से किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, तो इसके लिए कैटेगरी और फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग रूल देखना होगा। फर्नीचर, फर्नीचर रियल कैटेगरी में आता है, और रियल का रूल होता है इनकमिंग हो तो डेबिट, आउटगोइंग हो तो क्रेडिट। अगर फर्नीचर परचेज किया है, सोचो जरा, जरा सोचो, परचेज किया है तो फर्नीचर आया हमारे पास, इनकमिंग हुआ, और इनकमिंग हुआ तो डेबिट। फिर आते हैं कैश पर, कैश भी रियल में आता है। अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो पैसे देकर आए कि लेकर आए, अगर दे के आए तो कैश इनकमिंग की आउटगोइंग, और आउटगोइंग तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट तो फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। लिखते हैं रूल के हिसाब से, फर्स्ट लाइन में डेबिट अकाउंट आएगा, तो फर्स्ट लाइन में फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सेकंड लाइन में टू कैश अकाउंट, बी अ फर्नीचर परचेस्ड, अमाउंट कितना है देखो तो 15,000 लिख दिया फर्नीचर के सामने डेबिट में, कैश के सामने क्रेडिट में 15,000 ये लिख दिया। एग्रीड, सभी लोग एग्रीड। तो अगला ट्रांजेक्शन की डेट देखो क्या है, अगले ट्रांजेक्शन की डेट 4th January, तो डेट लिख देते हैं सबसे पहले 4th January, 4th January डेट लिख दो। ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोनू, तो मोनू से गुड्स परचेस किया। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो, जब भी कोई परचेस या सेल हो, अगर ट्रांजेक्शन के अंदर ये मेंशन ना हो, अगर प्रॉब्लम के अंदर ये मेंशन ना हो कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, अगर ये मेंशन ना हो, तो अगर नेम ऑफ पर्सन दिया है, ऐसे केस में अगर नेम ऑफ पर्सन दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानना है, नेम ऑफ पर्सन ना दिया हो तो कैश ट्रांजेक्शन मानना है। तो यहां पर एक ट्रांजेक्शन दिया है, पहले ये देखो कि ये उधार या नगद है, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है क्या, ऑन क्रेडिट बोला हुआ है।
तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, नहीं दिया होता तो सोचना पड़ता हम। सो अब दो अकाउंट सोचते हैं, तो एक तो गुड्स परचेज किया है और गुड्स के चार अकाउंट चलते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर परचेज है कि सेल है, कि परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, यहाँ परचेज है। तो यहाँ पर गुड्स के लिए परचेज अकाउंट चलेगा। फिर दूसरा अकाउंट किससे परचेज किया, मोनू से, यानी ये ट्रांजेक्शन मोनू से कनेक्टेड है, तो मोनू का अकाउंट, नेम ऑफ पर्सन के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगाते। अब इनका डेबिट क्रेडिट, परचेज यानी गुड्स का अकाउंट, गुड्स यानी रियल कैटेगरी, तो रियल कैटेगरी में इनकमिंग आउटगोइंग चलता है। अगर हमने गुड्स परचेज किया है, जरा सोचो, परचेज किया है तो इनकमिंग हुआ कि आउटगोइंग, इनकमिंग हुआ तो डेबिट करेंगे। मोनू पर्सन में पर्सनल कैटेगरी में आता है, पर्सनल कैटेगरी में रिसीवर के वर्ड देखते हैं। अगर मोनू से परचेज किया, मोनू से गुड्स खरीदा है हमने, तो मोनू रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, मोनू गुड्स दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है मोनू गुड्स, गिवर है। मोनू से गुड्स परचेज किया है हमने, मोनू से गुड्स खरीदा है हमने, तो मोनू दे रहा है गुड्स, गिवर है, मतलब गिवर है तो क्रेडिट करेंगे फिर। तो यहाँ पर डेबिट कौन होना है, डेबिट कौन सा अकाउंट होना है, परचेस अकाउंट, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होना है, मोनू का अकाउंट क्रेडिट होना है। रूल के हिसाब से फर्स्ट लाइन में डेबिट अकाउंट आएगा, तो पहली लाइन में लिखते परचेस अकाउंट डेबिट, दूसरी लाइन में स्पेस दिया टू वर्ड का, उसके बाद मोनू और नेम ऑफ पर्सन के आगे अकाउंट वर्ड नहीं आता। फिर अमाउंट देखे, अमाउंट कितना है, 4000, मोनू के सामने भी 4000, परचेज के सामने डेबिट में, तो मोनू के सामने क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया परचेज गुड्स फ्रॉम मोनू। अब मैंने कहा था ये नरेशन है, इसमें अननेसेसरी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन के अंदर लिखा था परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट हमने हटा दिया, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन आ गया तो क्रेडिट अंडरस्टूड रहता है उसके अंदर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस ढंग से सेंटेंस लंबा हो रहा हो तो उसको शॉर्ट कर दो, और फिर भी दूसरी दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा, उसी कॉलम के अंदर भले दो लाइन में लिखना पड़े। एग्री, मेरा आगे तक चला गया, आप लोग आगे तक मत ले जाना सेंटेंस को। फिर अगला है जनवरी 5, सोल गुड्स टू अन्नू। तो पहले तो डेट लिख देते हैं, पहले डेट लिख दी 5 जनवरी, फिर ट्रांसैक्शन है सोल्ड गुड्स टू अन्नू, ट्रांसैक्शन है सोल्ड गुड्स टू अन्नू, तो इसके बारे में हम सोचेंगे। तो हमने गुड्स सेल किया है, तो यहाँ पे गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट वर्ड यूज होगा, यहाँ पे गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज होगा, सेल्स, तो सेल्स अकाउंट होता है गुड्स का अकाउंट। दूसरा अन्नू का अकाउंट, ये अन्नू से कनेक्टेड है, अन्नू का अकाउंट, अन्नू के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगना है, क्योंकि पर्सन के नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं आता। तो सेल्स अकाउंट यानी गुड्स का अकाउंट, यानी रियल कैटेगरी, इनकमिंग के आउटगोइंग गुड्स। अगर हमने गुड्स सेल किया है, गुड्स इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, आउटगोइंग है, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अन्नू, अन्नू को सेल किया और अन्नू रिसीवर हुआ, अन्नू रिसीवर हुआ तो डेबिट, रिसीवर डेबिट होता है, तो अन्नू डेबिट, और इसे स्पेस दी टू टू सेल्स अकाउंट, जो क्रेडिट अकाउंट था। अमाउंट कितना है, अमाउंट देखे कितना है, 7000। तो अन्नू के सामने डेबिट वाले कॉलम में 7000, सेल के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 7000। सोल्ड गुड्स टू अन्नू, सभी लोग एग्रीड,
सभी लोग एग्रीड। फिर है जनवरी सिक्स सैलरी पेड के बारे में सोचते हैं। सैलरी का पेमेंट किया है, एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, तो एक तो सैलरी का अकाउंट हो गया, एक तो सैलरी का अकाउंट हुआ। अब सैलरी पे किया मतलब क्या दिया, कैश दिया, मतलब दूसरा कैश अकाउंट हो गया। पहले सैलरी अकाउंट पर आते हैं। सैलरी कोई पर्सन तो नहीं है जो पर्सनल कैटेगरी में आए, सैलरी कोई वस्तु तो नहीं है जो रियल कैटेगरी में आए, बचा क्या फिर? नॉमिनल सैलरी नॉमिनल में जाएगा। और नॉमिनल कैटेगरी का रूल होता है अगर एक्सपेंसेस या लॉस हो तो डेबिट, एक्सपेंसेस या लॉस हो तो डेबिट, इनकम या गेन हो तो क्रेडिट। अगर सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है तो सैलरी एक्सपेंसेस हुआ, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट। कैश इनकमिंग है कि आउटगोइंग, कैश आउटगोइंग है तो क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट फर्स्ट लाइन में आएगा क्योंकि डेबिट अकाउंट फर्स्ट लाइन में आता है। सेकंड लाइन में स्पेस दिया, टू वर्ड लिखा और क्रेडिट वाला अकाउंट लिख दिया। अमाउंट कितना है यहाँ पर, अमाउंट देखे कितना है 2000। सैलरी के सामने डेबिट वाले कॉलम में 2000, कैश के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 2000। डेबिट में सैलरी पेड और क्लोज कर देंगे। क्या सभी लोग एग्रीड? यस सर। सभी लोग एग्रीड? यस सर। तो हो जाएगा, yes,